नमस्ते। आज मैं बनाने जा रहा हूँ कच्चा कच्चा आम होता है ना, कच्चा आम का पचड़ी। कच्चा आम पचड़ी, कच्चा आम को ऐसे ग्रेट कर लीजिएगा। ग्रेट मतलब ज़्यादा पतला नहीं, कद्दूकस से नहीं करना चाहिए, ऐसे चाकू से ही ऐसे पतला पतला स्लाइसेस कर लीजिएगा। उसके बाद गुड़ चाहिए, नारियल तड़का लगाने के लिए, और नमक हल्दी और कुछ नहीं लगता, सिंपल पचड़ी बोलता। डेढ़ ग्लास पानी ले लीजिए। वो आम कच्चा आम उबलना चाहिए अच्छा से, उसके लिए पानी मिनिमम डेढ़ कप लगेगा। मैं दो आम छोटा छोटा दो आम लिए हैं। ये डेढ़ कप पानी डाला है। उस पे ये आम डालेंगे, उबल जाएगा अच्छा से। उसमें नमक स्वाद अनुसार, टेस्ट कितना चाहिए इतना नमक डाल दीजिएगा। हल्दी, पांच मिनट में उबल जाएगा ये, थोड़ा बंद करेंगे। पाँच मिनट हो गया, देखा आम अच्छा से उबल गया, कच्चा आम ये उबल गए ना। उबलने के बाद अभी इसको उतारेंगे। नमक हल्दी दोनों दे दिया ना हमने, अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ डाल कर थोड़ी देर पकाएंगे। गुड़ डाल दीजिएगा इसमें। गुड़ आपका टेस्ट कैसा लगता है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। टमाटर का आप लोग खट्टा बोलकर बनाते हैं ना, मीठा डालकर कुछ काजू डालकर बनाते हैं, उसकी तरह इसको साउथ में हर कोई खाता है। आम सीजन में ये पचड़ी बोलकर साउथ का सीजन, साउथ में हम लोग खाते हैं इसको आम पचड़ी। अभी अप्रैल मंथ में न्यू ईयर में सब लोग बनाते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर में ये जरूर बनता है साउथ में। देखिए ये हो गया, इसको उतार दीजिए। अभी इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देंगे। सिंपल सी से, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है इसमें। चम्मच तेल, उसमें सरसों, एक मिर्ची, ज़्यादा मिर्ची नहीं है, एक मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, बस। इसको फिर थोड़ा
ज़्यादा फ्लेम नहीं देना, हल्का इसमें डाल दीजिएगा। उसमें नारियल 2-3 चम्मच ग्रेट किया हुआ है, 2-3 चम्मच नारियल डाल दीजिए। अच्छा रहेगा, करी पत्ता भी देता है, करी पत्ता अब तड़का लगाते तब करी पत्ता डाल दीजिएगा और भी अच्छा लगता है। बस ऑफ कर दीजिए स्टोव को, सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। खट्टा मीठा नमक सब रहेगा इसमें, आम का पचड़ी, कच्चा कच्चा आम पचड़ी।